आरंभ होइछि नवरात्रि पूजा। विभिन्न देवीपीठ से आरंभ होइछि नवरात्रि पूजा। तेब आसंतु जानिबा नवरात्रि पूजा संबंधी किछि खास कथा। नवरात्रि एक हिंदू पर्व और यह नौ राति धरी प्रतिवर्ष शरत ऋतु में पालन करा जायथे। यह विभिन्न कारणरु एवं भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न भाग में भिन्न भिन्न भाव में पालन करा जायथे। तात्विक भाव में चारोटी ऋतुकालीन नवरात्रि रही। तेरे साधारणतः मौसुमी परवर्ती शारदीय नवरात्रि प्रधान भाव विवेचित हुए। एथिरे हिंदू देवी को सम्मान जनाई एहि पूजा पालन करा जाए। एहि पर्व हिंदू पांजीर आश्विन मासर शुक्ल पक्ष में पालन करा जाए और यह साधारणतः ग्रेगोरियन मास सेप्टेम्बर और अक्टोबर में पड़ी। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु वंशरे दुर्गम नामक दुष्ट राक्षस जन्म होता। से अत्यंत पराक्रमी और निष्ठुर थिला। से देवता मानकु निजर सबुठारु बड़ शत्रु मने करुथिला। देवता मानकु युद्ध रे परास्त करी स्वर्ग अधिकार करबाकु चाहुथिला। वेदगुड़िक जोगु देवता माने शक्तिशाली एवं केवल सेगुड़िकर ध्वंस द्वारा स्वर्गपुर दखल संभव बोली तांकु जणे परामर्श दला। ब्रह्माकु संतुष्ट करबा बिना वेदगुड़िकर ध्वंस संभव नुहे। तेणु दुर्गम हिमालय जाई कठोर तपस्या आरंभ कला। शह शह वर्ष बीतीगला। तार तपस्या प्रभाव रे तीनपुर नाही नथिबा उताप सृष्टि हला। समस्ते आतंकित हेले। ब्रह्मा दुर्गमर निष्ठा देखि ताकु साक्षात देई से कौन चाहुचंती बोली पचारले। दुर्गम कहिला हे प्रभु आपण जदि मो उपरे संतुष्ट समस्त वेद जेपरी मोर नियंत्रण रे रहिबो एवं मु न चाहिले केही जेपरी वेद पाठ करि परिबे नाही से व्यवस्था कर दियंतु। आहुरी मध्य मु देवता मनीष गंधर्व पक्ष और नागं द्वारा मरिबे नाही एही बर प्रदान करंतु। ब्रह्मा तथास्तु कही अदृश्य होगले। ब्रह्मा बर जो मुनि ऋषि मैंने तत्क्षणात समस्त बाणी भूलीगले। केही किछि मने पकई परिले नाही। वेदज्ञ पंडितों अभाव जागयज्ञ पूजा पाठ बंद होगला। प्रकृति संतुलन हरैला। वर्षा हला नाही अकाल पड़गला। देवता माने शक्तिहीन होइगले। सुजोग देखि दुर्गम असुर सेना धरी स्वर्गपुर आक्रमण कला। देवता माने छत्रभंग देले। स्वर्गर पतन हला। देवगण दुर्दशा और राक्षसंकर प्रकोप बढ़ुवा देखि मुनि ऋषि माने शक्ति माता प्रार्थना कले। माँ जगदम्बा रूप प्रकट हो वेद उद्धार करने निमंत प्रतिश्रुति देले। जगदम्बा देववाहिनीर नेतृत्व नहीं दुर्गम को आक्रमण कले। हेले ब्रह्मांक ठारु बर पाइथिबारु दुर्गम अपराजेय रहिला। तहु माता निज शरीरु कालिकी तारिणी बगलामुखी मातंगी छिन्नमस्ता कामाखी और भैरवी आदि को सृष्टि कले। सेमानक मिलित आक्रमण रे दुर्गम निहत हला। दुर्गम को मारी माता दुर्गा भावे परिचित होइथिले। नवरात्रि मांकर नौटी रूपर महत्व। देवी महात्म्य एवं दुर्गा सप्तशती वर्णित कथा अनुसार मांकर सबु रूप से किसी ना कि विशेषत्व रही। नवदुर्गा होती शक्ति भिन्न भिन्न अवतार। सेने शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मंडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी एवं सिद्धिदायिनी। नवरात्रि प्रथम दिन में पूजा पाती माता शैलपुत्री। शैल अर्थ पहाड़ और पुत्री अर्थ कन्या। से पार्वती बा हेमवती भावे मध्य परिचित। दक्ष कन्या सती प्रथम पुनर्जन्म नहीं शैलपुत्री भावे। द्वितीय पुनर्जन्म नहीं हिमालय पुत्री पार्वती रूपे एवं विवाह करते महादेव को। शैलपुत्री होती शक्ति प्रथम अवतार। द्वितीय दिन में पूजा पाती माँ ब्रह्मचारिणी। तांकर अन्य नाम गुड़िक हला उमा अपर्णा एवं तपश्चारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थ चरम सत्तार सानिध्य पाइबा लगी से सदा तपस्यारत। तृतीय दिन में आराधना करा जाए माँ चंद्रघंटा को।
ମଥାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ ମା କୁଷ୍ମଣ୍ଡାକୁ, ସେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୀ। ନିଜ ହସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂର କରିଥିଲେ ଅନ୍ତହୀନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦମାତା, ସେ ଦେବତାଙ୍କ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବା ମୁରୁଗ ବା ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ମାତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ମାତୃତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସ୍ନେହମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା କାତ୍ୟାୟନୀ, କାତ୍ୟମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ। ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଧର୍ମ ତଥା ନ୍ୟାୟ ନୀତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା କାଳରାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶୁଭଙ୍କରୀ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ଅବତାରରେ ସେ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସର ରକ୍ତ ଶୋଷି ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ। ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାତପ କରିଥିଲେ ସେ। ଶେଷରେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ନବମ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ, ସେ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।